नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या स्क्रिप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और कनाडा के बीच के रिलेशन की, जो कि फिलहाल के समय में जो बहुत ही बेकार स्थिति में पहुंच चुकी है, उसके पीछे कारण क्या रहा है और कनाडा का जो पीएम है जिनका के नाम है जस्टिन ट्रूडो, उनकी क्या मंशा रही है इंडिया और कनाडा के बीच के रिलेशन को इतना खराब करने के पीछे। दोस्तों, एक बात समझिए, कनाडा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जो अपना बॉर्डर शेयर करता है, और अगर वहां की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ जो है 4 करोड़ का पॉपुलेशन है, और उसमें जो है 3% जो पॉपुलेशन है कनाडा का वो जो इंडियन ओरिजिन के लोगों का है। इंडियन ओरिजिन के वो लोग हैं जो कि मतलब कई सारे आपने इंडियंस को देखा होगा, खास करके जो पंजाब और जो यहाँ पर हरियाणा के साइड के लोगों को अगर हम देखें तो वो लोग जो बहुत ज्यादा जो कनाडा जाना जो प्रेफर करते हैं, कनाडा या फिर यूके। तो कई लोग जो है कनाडा में जाके बस चुके हैं, वहां का सिटीजनशिप ले चुके हैं, और कई लोग जो है एनआरआई कार्ड होल्डर है, और कई सारे जो स्टूडेंट्स इंडिया के वो लोग जो है कनाडा के यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है। अब मेन चीज पे आते हैं, देखिए इंडिया और अगर हम कनाडा के अगर हम ट्रेड की बात करें यानी कि व्यापार की बात करें आपसी, तो वो है $8 बिलियन के आसपास का। अब उसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक का जो है ट्रेड का बहुत ज्यादा सरप्लस है या फिर किसी एक जो है मतलब बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है एक्सपोर्ट करता है, मतलब लगभग इंडिया और कनाडा जो है सेम मतलब सेम लेवल पे जो भेजता भी है और खरीदता भी है। खैर, कनाडा थोड़ा सा ज्यादा हमें भेजता है यानी कि हमें जो है एक्सपोर्ट करता है और हम उनसे जो है ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं, खैर वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं कि जो मतलब कनाडा हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रेड गैप है। अब समझिए, देखिए आपने सुना होगा हरदीप सिंह निज्जर का नाम, ये जो है ना ये खालिस्तान टाइगर फोर्स, ये जो है प्रो खालिस्तानी एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता था, जो चीफ थे ये। तो ये जो कनाडा के जो सिटीजन थे, वहां का जो है उन्होंने नागरिकता ले रखी थी। अब हुआ क्या ना कि 18 जून 2023 के दिन इनको किसने मार दिया वो पता ही नहीं चला। अब इससे हुआ क्या ना कि कनाडा जो है वहां पर जो खालिस्तान मूवमेंट जो चल रहा है, तो वहां के जो कई लोगों ने जो है इंडियन गवर्नमेंट पे जो आरोप लगाया कि जो भारत सरकार द्वारा जो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने जो है वहां पर जो है खालिस्तानी जो लीडर था हरदीप सिंह निज्जर उनको जो है मारा है। अब देखिए एक बात समझिए, वर्ष 2016 में ही इंटरपोल का आपने नाम सुना होगा। इंटरपोल वो है जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरपोल का, तो जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने जो है ना इनके खिलाफ जो है रेड कॉर्नर नोटिस जो है यानी कि हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ जो जारी करके रखा था 2016 से, यानी कि ऐसा समझिए जो इंटरनेशनल एक टेररिस्ट ही था, और उसको जो है पनाह देकर रखा था कनाडा ने, यह कहकर जी कि हमारे यहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है पूरी तरह से आजादी है। पिछले कुछ सालों से जो है ना जो खालिस्तानी मूवमेंट है ना वो वापस से एक टूल पकड़ लिया है। आपने सुना होगा कि जिस तरह से जो है मतलब यूके में जो हमारा इंडिया का हाई कमीशन है वहां पर जो वहां की जो फ्लैग थी इंडियन फ्लैग ने उसे जो ह्यूमिलेट करने की वहां पर जो है मतलब कोशिश की गई, और उसके बाद जो है कनाडा में तो आए दिन इतना ज्यादा मूवमेंट होता है, वहां पर इतना ज्यादा खालिस्तान के बारे में जो प्रचार होता है, वहां पर जो नए नए मूवमेंट शुरू किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको धमकाते भी हैं वो लोग। तो इससे जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, मतलब अभी रिसेंट ईयर में आपको पता होगा कि रिसेंटली जो अमृतपाल सिंह का जो केस हुआ था हमारे भारत में ही, तो ये सभी जो खालिस्तानी जो वापस से समझा जा रहा है कि जो पीक पे आ चुका है। अब देखिए खालिस्तानी सिर्फ इतना ही नहीं करते, वो लोग जो है वहां पर जो फ्रीली वहां पर इंदिरा गांधी को जो मारने का जो पोस्टर वो लोग जो वहां पर लेके घूमते हैं। आपको पता होगा कि 1984 में जो है जिस तरह से माननीय उस समय के जो प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी जी, उनकी जो हत्या कर दी गई थी खालिस्तानी लोगों के द्वारा। खैर वो तो उनका बॉडीगार्ड ही था लेकिन वो खालिस्तानी जो है मतलब सपोर्टर था। और आप देखिए कनाडा में होता है क्या ना कि बहुत जगह से जो है इंटरनेशनल फंडिंग आती है खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। इवन जो है आईएसआई जो है जो पाकिस्तान की जो कि इंटेलिजेंस विंग है तो वो जो है सपोर्ट करती खालिस्तान मूवमेंट को, तो चाहते हैं कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, पाकिस्तान तो बना ही इस मकसद था। और देखिए कई जगह पे ना जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनके जो है मतलब अभी जो है मतलब पोस्टर लगाए जा रहे हैं कनाडा में कि यहाँ पर ये जो वांटेड है जो इंडिया की जो हाई कमीशन है उनका है, और वो बताते हैं कि मतलब इनको जो है मतलब उनको असैसिनेट करने की भी धमकी देते हैं। ऐसा कनाडा का स्थिति है। अब देखिए कनाडा की जो अभी करंट गवर्नमेंट है जिसका की प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, जो कि लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अकेले जो है मतलब उस मतलब वहां के प्रधानमंत्री है या फिर उनको मेजोरिटी मिली उनके पार्टी को। अब उसको जो सपोर्ट कर रही है कौन, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि प्रो खालिस्तान लीडर जगमीत सिंह जो कि उसके मतलब फाउंडर चीफ है, ऐसा समझिए। अब देखिए
अब यहां पर जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स वहां पर भी आ गई, हम बात करते हैं ना कि इंडिया में वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, तो उसी तरह का जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स कनाडा में भी हो रहा है, क्योंकि वहां पर जगमीत सिंह जो कि प्रो खालिस्तानी लीडर है, वो जिनका की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, वो जो है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को जो है सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के सहारे जो है जस्टिन ट्रूडो वहां पर सरकार चलाते हैं कनाडा में। और देखिए आपको पता होगा कि मतलब 2020-21 में जब हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा था, तो देखिए मोस्टली कौन कर रहे थे किसान आंदोलन में, कौन थे, हरियाणा और जो है पंजाब के किसान थे। तो और देखिए पंजाब के जो बहुत सारे लोग जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हरियाणा पंजाब के बहुत सारे लोग जो कनाडा में रहते हैं, तो वो लोग जो वहां पर भी मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे, और उसके कारण जो है जो जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने भी जो किसान आंदोलन को जो है उन्होंने सपोर्ट किया था, यानी कि उन्होंने हमारे इंटरनल मैटर में जो हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। और साथ ही साथ एक बात ये भी समझिए कि जितने भी एंटी इंडिया एक्टिविटी कनाडा में होते हैं ना, भारत सरकार ने कई बार अपना कंसर्न जाहिर किया है, लेकिन फिर उसी तरह जस्टिन ट्रूडो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और ऐसा कह के जो नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी रिसेंटली जो है हमारे देश में 9 और 10 तारीख को जो है G20 समिट हुआ, और वहां पर जो है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी अपने बेटे के साथ है। लेकिन वहां पर हुआ क्या ना कि जिस तरह से बाकी सभी गेस्ट को जो है, बाकी सभी जो स्टेट्समैन थे उनको जिस तरह से मतलब वार्म वेलकम दी गई, उस तरह से जो है जस्टिन ट्रूडो के प्रति जो है भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो फिर कोई और मिनिस्टर्स हो, उनका जो है मतलब बहुत ठंडा रवैया रहा, यानी कि उनको उतना मतलब फोकस नहीं किया गया। इवन जो कनाडा की अगर बात करें तो वहां पर एक फेमस जो है वहां पर न्यूज़पेपर जिसका नाम है टोरंटो सन, तो उन्होंने जो एक मतलब वहां पर पोस्टर जाहिर किया था जिसे कि वहां के जो मतलब जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन इंडिया में होता है फिलहाल जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है भारत में, तो उसी तरह जो पियरे पोलिवर है वहां पर जो है ना वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि हम जो है कितना मतलब हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री का ह्यूमिलिएशन को सहेंगे। और वहां पर अगर टोरंटो सन की बात की तो उन्होंने जो है इस तरह से पोस्टर जारी किया था जिस तरह से आपने देखा होगा वीडियो में कि नरेंद्र मोदी जो है जिस तरह से मतलब बाकी सभी गेस्ट को मतलब सब कुछ बता रहे थे, और जैसे ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आए उन तक उन्होंने इशारा किया इस तरह जाने का, और उसी को टोरंटो सन ने लिखा कि दिस वे आउट, यानी कि आप जाइए इधर से निकलिए। तो इस तरह से जो है हाल रहा है। और साथ ही साथ उसके आगे हुआ क्या ना कि जब हमारे देश में G20 समिट चल रहा था और जो कनाडा के प्रधानमंत्री हमारे देश में थे, तो उसी समय गुरु पतवंत सिंह पन्नू, ये जो सिख फॉर जस्टिस करके एक जो है प्रो खालिस्तानी ग्रुप है कनाडा में, वहां पर जो है वो भारत के खिलाफ जो है भड़का रहे थे सिख्स को, लोगों को वहां पर, और वो कह रहे थे कि 28 अक्टूबर के दिन जो आने वाला जो समय है 28 अक्टूबर को वहां पर जो वो लोग रेफरेंडम लाने की कोशिश करेंगे, वो लोग जो सपोर्ट वहां पर मांग रहे थे कि यस और नो। तो ये कि बहुत ही मतलब बेकार चीज थी। और जब इंडियन मीडिया ने जब यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो से भारत ने पूछा इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब कुछ भी कहो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। आपके आपको मैं बताऊंगा कि भारत भी किस तरह से कनाडा में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच ला सकता है, मैं वो भी बताऊंगा आगे। खैर देखिए फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। और देखिए हुआ क्या ना कि जब यहाँ पर G20 मीटिंग चल रही थी भारत में, तब जो है जिस तरह से बाकी सभी देशों के साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी जो बायलेटरल टॉक्स कर रहे थे, उस तरह से जो है कनाडा के साथ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे रिश्ते जो उस तरह से सामान्य नहीं है जिस तरह से हम जो फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है कनाडा के साथ इंजॉय करते थे पहले। तो और वहां पर जो रूटर्स करके एक जो बहुत ही मतलब जानी मानी जो है एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने ये भी लिखा कि नरेंद्र मोदी ने बंद कमरों में जो है ना प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जो फटकार लगाया है, डांट लगाई है। अब इसमें कितनी सच्चाई वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ इसमें कुछ तो सच्चाई होगी जरूर, और इवन जो है नरेंद्र मोदी ने इस बारे में चर्चा जरूर किया होगा। साथ ही साथ आप देखिए हुआ क्या ना, जब वहां पर सभी गेस्ट जा रहे थे 10 तारीख के जब G20 समिट खत्म हुआ, तो वहां पर जो है जस्टिन ट्रूडो का जो जो एयरक्राफ्ट जिसका के नाम है ताजमहल, वो जो खराब हो गया, उसमें तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गई, तो इस वजह से उन्हें जो है 2 दिन का जो है भारत में रहना भी पड़ा, और उन्हें जो है मतलब कोई भी मतलब गेस्ट ऑफ ऑनर वगैरह कुछ दिया नहीं गया, यानी कि भारत सरकार जो है मतलब जिस तरह से किसी और गेस्ट को दी, जिस तरह से किंग सलमान को दिया, उस तरह से नहीं दिया जिस तरह से यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो आए थे, और इससे जो उनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। और इवन देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको जो है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है जिसमें कि एयर इंडिया 1 करके एयरक्राफ्ट है जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है विदेशी यात्रा जो ट्रेवल करती है, वो जो है भारत सरकार ने उन्हें ऑफर किया, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जस्टिन ट्रूडो ने रिजेक्ट कर दिया कि यह क्या कि हमारा जो आ रहा है, लेकिन उन्हें जो इस वजह से 2 दिन रुकना भी पड़ा। और देखिए भारत और कनाडा के बीच में जो बात चल रही थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर मैं शॉर्ट कहकर बताऊं तो देखिए क्या होता है ना कि जब हम कोई भी चीज कनाडा से यहाँ पर मंगाते हैं या फिर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें जो ना कुछ कस्टम ड्यूटी लग जाती है, कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा लगती है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, या तो आप कस्टम ड्यूटी नहीं लेते हो या फिर लगाते भी तो कुछ आइटम से बहुत कम ही लगाते हो,
तो उस बारे में जो हमारी बात चल रही थी, इवन बहुत सारे देशों के साथ भारत का जो है मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और सब देश चाहते हैं कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, क्योंकि इससे वो देश का जो है ज्यादा फायदा होगा, हमारे से ज्यादा ही फायदा होगा। तो इंडिया और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात चल रहा था, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, उन्होंने जो है इंडेफिनाइट टाइम के लिए यानी कि अनिश्चित काल के लिए इसे टाल दिया, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डील को। और देखिए आपको पता होगा कि अवतार सिंह खांडा को जो है मतलब हॉस्पिटल में जो मतलब असामान्य तरीके से इसकी मौत हो गई थी, साथ साथ हरमीत सिंह इसको इसको भी लाहौर में मार दिया गया था एक अननोन व्यक्ति ने, और परमजीत सिंह पनवार इसे तो लाहौर में जो है अभी मई के महीने में जब यहाँ पर बात वहां पर जो उनको मार दिया गया, हरदीप सिंह निज्जर इनको मार दिया गया, जो ये सब हुआ ना तो इससे जो है बहुत सारे लोग जो खालिस्तानी सपोर्टर थे उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ जो कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके ऊपर जो है आरोप लगाना शुरू कर दिया। वो ये कह रहे थे कि रॉ ने जो कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने भारत सरकार के कहने पर जो है ये सब कदम उठाए, इन सभी लोगों को जो हमारे चीफ्स को मारा है, ऐसा उनका कहना है। अभी हम तो चाहते ही थे भाई उनको मार दे, हम इंडियंस तो यही चाहते हैं कि हमारी संप्रभुता बनाए बने रहे, हम तो यही चाहेंगे ना, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है वो भारत सरकार ने कुछ जाहिर नहीं किया। लेकिन अभी हुआ क्या ना कि जो कनाडा का जो पार्लियामेंट है उसमें से जिस तरह से हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होता है तो वहां पर एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, तो वहां पर आज के दिन यानी कि पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सुबह अलर्ट किया कि कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी ने पाया है कि इसमें यानी कि जो कनाडा का सिटीजन उन्होंने कहा किसको कहा वही निज्जर को कहा कि वो कनाडा का सिटीजन था उसे जो है भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसी उन्होंने मारा है, ऐसा उन्होंने मतलब अलीग के एक्यूज किया भारत भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को, ऐसा कुछ प्रमाण अभी तक साबित नहीं हुआ है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ऐसा कहा, और देखिए वो मतलब गर्व कर रहे हैं अपने सिटीजन उनको बताने में, जो कि इंटरपोल के भी रेड फ्लैग नोटिस में वहां पर शामिल था यहाँ पर निज्जर जो है। और उसके आगे हुआ क्या ना कि जो कनाडा का जो फॉरेन मिनिस्टर है यानी कि विदेश मंत्री जिस तरह हमारे यहाँ पर एस जयशंकर साहब है, मिलानी जॉली, तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए भारत सरकार ने यहाँ पर कनाडा के सिटीजन को जो है मारकर जो है मतलब हमारी संप्रभुता को जो है चोट पहुंचाया है, और इसलिए उन्होंने एक बहुत ही बड़े इंडियन डिप्लोमेट को जो है एक्सपेल कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा आप जाइए निकलिए यहाँ से हमारे कनाडा से। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. बड़ी जो है बेइज्जती वाली बात हुई हमारे लिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या ना कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो कनाडा का जो ये मतलब क्लेम था, ये जो एलिगेशन था उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया, और साथ ही साथ हुआ क्या ना कि भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है जिसे कि एस जयशंकर साहब संभालते यानी कि हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उसने जो है कनाडा का जो हाई कमीशन है इंडिया में उसे जो समन किया यानी उन्हें जो बुलाया अपने दफ्तर में। कनाडा का अगर हम मैं हाई कमीशन की बात करूं तो उनका नाम है कैमरॉन मैके, तो आप देखिए वो है ना मतलब आज जो है 10:26 में पहुंचे इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और जो है 10:30 तक निकल गए यानी 4 मिनट में जो है इस तरह से निकले वो, उनका जो मूड देखने में लग रहा था ना मतलब क्या ही बताओ, ऐसा लगा था रोने की हालत है, बहुत गुस्से में दिख रहे थे, मतलब बहुत ही गंदी तरह से उन्हें फटकार लगाया गया। और उन्हें यह भी कहा गया कि आपका जो एक टॉप लेवल डिप्लोमैट है यानी कनाडा का जिसका कि नाम है ओलिवर सिल्वेस्ट्रे जो कि स्टेशन चीफ है मतलब कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसे भारत सरकार ने भी निकाल एक्सपेल्ड, निकलो यहां से, मतलब टिट फॉर टैट हुआ जैसे को तैसा ही कहा गया है। तब अब इससे समझिए इससे हुआ क्या ना, अब ये भी समझिए कि मतलब हमारे रिलेशन समान नहीं है, लेकिन भारत सरकार का जो कदम है ना जो रवैया रहा वो देखने में मतलब एक भारतीय के तरीके से बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा फील दे सकता है क्योंकि ऐसा मतलब पहले नहीं किया जाता था, बट टिट फॉर टैट ऐसा करना जो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से कनाडा जो सपोर्ट करता है खालिस्तान मूवमेंट को उसी तरह भारत भी जो है ना वहां पर कनाडा में एक जो एक प्रोविंस है कनाडा जिसका नाम है क्वेबेक,
तो वहां पर जो है ना वो लोग सेपरेशन चाहते हैं कनाडा से, भारत भी उसे सपोर्ट कर सकता है, मतलब भारत भी उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है, यही एक जो है जरिया हो सकता है कि मतलब टिट फॉर टैट वहां पर भी होना चाहिए। हम भी चाहेंगे ना कि अगर तुम हमको अगर हमारे खिलाफ साजिश करोगे तो हम भी करेंगे, तो भारत सरकार को चाहिए कि क्वेबेक करके उनका जो प्रोविंस है ना उसके लिए भी कुछ आवाज उठाए, उसके लिए भी बात करें, ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। अब देखिए इससे हुआ क्या ना आगे, अब ये देखिए यूनाइटेड स्टेट जैसे मैंने आपको बताया जिसका कि कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर होता है, अमेरिका ने कहा है कि जिस तरह से वहां पर मर्डर का जो एलिगेशन लगा है वहां पर जो है हम उनके सपोर्ट में, यानी कनाडा के सपोर्ट में है वो। देखिए ऐसा नहीं कि वो इंडिया को मतलब ये कर रहे हैं, बट हाँ इंडिया को बस सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं। साथ साथ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो उनके एक प्रेस रिलीज की गई उनके स्पोक्स पर्सन के द्वारा, उन्होंने ये कहा कि मैंने जो है मतलब हमने जो है इंडिया के जो डिप्लोमेट्स है उनके जो टॉप लीडर्स है उनके साथ जो है अपना कंसर्न रेज किया है, कन्वे किया है उनको, मतलब वो भी जो सपोर्ट दिखा रहे हैं कनाडा को। सभी जो है डेवलप कंट्री है ना, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री यानी कि इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री के ऊपर जो है मतलब सवाल उठा रहा है, तो सब जो इकट्ठा हो गए। बट डोंट माइंड गाइज, इससे कुछ होगा नहीं, बट हाँ हमारा सॉरी कनाडा का जो रिश्ता है उसमें बिगड़ रहा है, मतलब बुरे दौर से गुजर रहा है, और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है जस्टिन ट्रूडो। और ऐसा मत देखिए, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ जस्टिन ट्रूडो की वजह से ऐसा हो रहा है और आगे जब इनकी सरकार चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना जो कनाडा का जो और एक अपोजिशन लीडर है जिनका नाम है पीएलए पीओरे, तो देखिए वो भी उनके अगर आप ट्वीट देखेंगे उनके अगर स्पीच देखेंगे आप तो वो भी जो है ना मतलब खालिस्तानी लीडर्स को सपोर्ट करते हैं। मतलब सरकार किसी की भी हो, अब जो है कनाडा के साथ हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा सामान्य नहीं रहने वाले एटलीस्ट कुछ सालों के लिए। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट कैनेडा। और आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार का ये जो कदम है वो सही है, प्लीज कमेंट करके बताया। दैट्स ऑल, जय मां भारत, थैंक यू सो मच।